आज लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में कोर्ट ने आज की डेट दी थी, आज 7 अप्रैल को आज ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और कोर्ट नंबर 8 में आइटम नंबर 37 ये मैटर ऐसा मैटर था जिसमें कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनकी ज़मीन जो थी उसको वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने तहसीलदार और वो SDM इन लोगों ने मिलके लीलाम कोई और प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, मेरे क्लाइंट की प्रॉपर्टी लीलाम कर दी, इलीगली लीलाम कर दी है और हाईकोर्ट ने बोला ये फ्रॉड हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। तो ये जो है वो लोग रिस्पोंडेंट लोग ऑलरेडी हाईकोर्ट से हार गए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे और मेरी क्लाइंट जो शकुंतला देवी थी उनकी तरफ से मैंने आज कोर्ट नंबर 8 में आर्गू किया था मैटर। हमारा प्रे ये था कि हमारी जो लैंड है वो लैंड इन कुछ भूमाफिया के लोगों ने मिलके और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके इसको इलीगली लीलाम किया गया है इस लैंड को, इसलिए जो है ये कोर्ट को मैंने आर्गू किया था और ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मैटर को डिसमिस कर दिया और ये डिसमिस हुआ है। और इस केस में ये साफ साबित होता है कि किस तरह से यूपी में जो पहली गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने किस तरह से वहाँ पर निर्दोष लोगों की ज़मीनें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने वो लीलाम कर दी और जो उस तरह उनको उन जमीन उनको डिप्राइव किया गया, ये मैटर था आज कोर्ट में जो फाइनली हम लोग जीत गए हैं। मेरा क्लाइंट और मैंने ये आर्गू किया था, फाइनली जीत गए ये केस। और इससे ये मैसेज जाएगा पूरे यूपी में पूरे कंट्री में कि कोई भी व्यक्ति किसी जब भी कोई मजिस्ट्रेट जब भी कोई प्रॉपर्टी लीलाम करे या किसी को अटैचमेंट करे तो सोच समझ के डॉक्यूमेंट चेक करके करे, ऐसे नहीं कि मेरे क्लाइंट की तरह जो है कई सारे क्लाइंट लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी इस तरह से इलीगली जो है वो इलीगली जो है उसको कब्जा न करें, इलीगली उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई और उसको जो है लीलाम कर दिया गया, इस तरह से फ्यूचर में ना हो। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है आज का। थैंक यू।